डियर हस्बैंड, हमारी कंट्री में ना कोरोना वायरस फैल रहा है और ना सरकार ने ना इसे एक बहुत बड़ी मुसीबत घोषित कर दिया है। तेरे से भी बड़ी? अगर मैं मुसीबत होती ना तो तुम शादी वाले दिन इतना खुश ना होते। तो पता नहीं था ना मुसीबत ऐसी होती है। अरे बाबा मजाक कर रहा हूँ। मैं ना तुम्हारी गाड़ी लेके ना सुपरमार्केट गई थी और ना जितना भी जरूरी सामान है ना कोरोना से लड़ने के लिए वो मैं लेके आई हूँ। वहां पे ना मैंने देखा सैनिटाइजर आए हुए, मैंने ना सैनिटाइजर पे छपटा और उसको छपट के बास्केट में डाला और फिर मैंने देखा वहां पे हैंड वॉश आए हुए हैं, मैंने ना हैंड वॉश छपटा और उसको बास्केट में डाला। अच्छा और क्या लेके आई हो? और ना मैंने ना कल एक वीडियो देखा था, उसमें दिखा रहे थे जब भी किसी कंट्री में कोरोना फैलता है ना लोग ना सबसे पहले ना जो होते हैं वो ना सबसे पहले ना टॉयलेट पेपर के ऊपर झपटते हैं। तो ना मैंने ना टॉयलेट पेपर के पैकेट पे झपट के मैं टॉयलेट पेपर भी लेके आई हूँ। डार्लिंग मगर हम लोग तो इंडियन लोग हैं, हम लोग तो टॉयलेट पेपर यूज ही नहीं करते। अच्छा कितने पैक्स लेके आई? 10 पैकेट। 10 पैकेट? अरे मगर हम लोग तो टॉयलेट पेपर यूज ही नहीं करते तो क्यों लेके आई हो? क्योंकि ना कल को खत्म हो जाएंगे। मगर हम लोग टॉयलेट पेपर यूज ही नहीं करते। तुम्हें पता है फॉर्म में ना लोग टॉयलेट नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि ना उनके पास टॉयलेट पेपर ही नहीं है। हे भगवान मैंने शादी क्यों की? क्योंकि ना भगवान चाहते थे तुम्हें एक समझदार बीवी मिले। ऐसी? हाँ ऐसी। अच्छा डार्लिंग तुम सुपरमार्केट गई थी मेरी गाड़ी लेके, तुम खाने पीने के लिए कुछ लेके आई हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ना गाड़ी में जगह ही नहीं थी। अरे बहुत बड़ी कार है। अरे वो टॉयलेट पेपर की वजह से ना गाड़ी भर गई थी। डार्लिंग डार्लिंग अच्छा तुम सैनिटाइजर कितने लेके आई हो? मैं सैनिटाइजर लेके आई हूँ 1 बोतल। क्यों? क्योंकि ना गाड़ी में जगह नहीं थी, वो ना टॉयलेट पेपर की वजह से गाड़ी फुल थी। मगर हम लोग टॉयलेट पेपर यूज ही नहीं करते। तुम सुपरमार्केट गई थी, तुम हैंड वॉश कितने लेके आई हो? 1 बोतल। हाँ वो गाड़ी में जगह नहीं ना, वही गाड़ी भर गई थी। नहीं वो ना तुम ही कहते रहते हो पैसे बचाओ पैसे बचाओ। हे भगवान मैंने शादी क्यों की? क्योंकि ना तुम्हें इतनी इंटेलिजेंट बीवी मिलनी थी इसलिए। कोरोना जा जा कोरोना। सो फ्रेंड्स जोक से पार्ट, जोक तो बहुत हो गए ठीक है, अभी सीरियस बात पे आते हैं। कोरोना वायरस जैसे कि हमारे कंट्री में फैल रहा है तो इसके लिए प्रिकॉशन रखें सभी, अफवाहों पे यकीन ना करें और रेगुलरली हैंड वॉश करते रहें या हैंड सैनिटाइज करते रहें ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, कोरोना से डरे नहीं बचाव करें। थैंक यू।